नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिलवानी आदिवासी बाहुल्य विकासखंड सिलवानी में प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आदिवासियों तक त्वरित रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से एकीकृत आदिवासी लघु परियोजना कार्यालय सिलवानी में प्रारंभ किया गया था। पूर्व में कई वर्षों तक यह कार्यालय किराए के भवन में संचालित होता रहा। वर्तमान में परियोजना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने से कार्यालय के कर्मचारी जिला कार्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। जनपद पंचायत प्रांगण में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी एकीकृत लघु परियोजना कार्यालय का भवन निर्माण लाखों की लागत से कराया गया था, जिसका आज तक शुभारंभ ही नहीं किया गया, जिसका फायदा जनपद पंचायत सिलवानी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उठाते हुए इसे अपना आवास बना लिया। वर्तमान में जनपद सीईओ रश्मि चौहान द्वारा अपना आवास बना लिया है। वहीं एक कार्यालय के एक भाग पर जनपद पंचायत सिलवानी के कंप्यूटर ऑपरेटर भुजबल बघेल ने भी आवास बना लिया है और आदिवासी इधर उधर ठोकरे खाते फिर रहे हैं। किन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री आप इस आदिवासी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया बताएं। आज मेरा नाम धर्मदास है और आज एसडीएम मैडम को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है। जो आदिवासी कल्याण विभाग से कई वर्षों से मतलब यहाँ पर बना हुआ है और उसमें मतलब जो सीओ मैडम कब्जा करे हुए हैं और आदिवासियों को मतलब शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्रों से दूर दूर से मतलब क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसको जानकारी नहीं मिल पाती है। जब कार्यालय होगा तो मतलब आदिवासियों को योजनाओं का लाभ मिलेगा और योजना की जानकारी मिलेगी। सिलवानी से खबर समय जगत के लिए आशीष सैनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।